बेनती करा मैं सरदार गुरनाम सिंह जी बत्रा प्रदेश सब मुक्तसर अपने विचार रखा। परम सत्कार योग सुप्रिंटेंडेंट साहब, प्रोजेक्ट अफसर साहबान, अकाउंटेंट साहब, मेरे दूसरे स्टाफ दे मेरे बच्चे हो पंचा मैं तो सारे ही उम्र छोटे हो मेरे बच्चों के बराबर हो पंचा जिन्हों के केस चिट्टे हुए हैं वो मेरे उम्र तो वह भी छोटे हैं पर उन्होंने मैं भरा छोटे भरा कह सकता हाँ। बाकी मेरे सारे बच्चे हो समा बड़ा नाजुक आ गया है पहले समय नालों होने वाला समा काफ़ी औखा समा है। पहले समय से सर्विस करनी होर तरीका से हूँ कुछ होर है समा बड़ा नाजुक है। मैं एक होर मेरी बेनती करनी है सर्विस के दौरान डिसिप्लिन मेनटेन करना जिस घर का जिस दफ्तर का जिस शहर का जिस देश का डिसिप्लिन नहीं वो कदे भी खत्म हो सकता है। तुसी बच्चे हो सर्विस दौरान जिहड़ा डिसिप्लिन मेनटेन करना ये सब तो जरूरी है। बाकी तुसी सारे समझदार हो बहुता कुछ नहीं मैं कहना। कई बार साड़ी हायर अथॉरिटी साडे अफसर सानू कहते हैं सातों किसी को वध घट कोई सरकारी हदायतों की इन बिन पालना करने वास्ते किसी को कुछ उच्चा नीवा आख्या गया हो मैं माफ़ी चाहागा। नियंत्रण तो नहीं आख्या जाता कोई किसी समय स्टाफ को गल मजबूरन आखनी भी पै जाए वो तुसी दिल ते नहीं लिनी अगे तो भी तुहाडी अजे उम्र बहुत है महाराज तुहाडी सारा भी उम्र लंबी करे। तुसी बहुत कुछ करना है बहुत भावें तुसी किन्ने भी सुख दे सियाने हो फिर भी आखिर ताई बंदा समझदा है सिखदा है। तो मेरी यह बेनती है सर्विस दौरान तुसी अपने हायर अफसर की अपनी हायर अथॉरिटी की रिस्पैक्ट करनी है चाहे तो उम्र तुहाडा बॉस तुहाडा अफसर छोटा ही होवे सर्विस के दौरान डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। जिस मुलाजम को डिसिप्लिन की इको गल पले बन लो जिंदे को डिसिप्लिन है वह कभी मार नहीं खा सकता कभी मार नहीं खाएगा जिस मुलाजम को जिसको डिसिप्लिन है। एक बेनती जी होर करनी है वो मेरा हक नहीं बनता और मुलाजम नशा ना करे दो तक ला लो अदरवाइज रूटीन कोई भी मेरा बच्चा मैं तुम्हें दसा गल एक टाइम थोड़ा है कई मेरे नाल दे मुलाजम छोटी छोटी उम्र अदवाटे ही नशे कारण उन्हां दी मौत हो गई कईयां दी प्रमोशन नहीं हुई नशा जे कोई मुलाजम नशा गया तो मैं उनके पैरी हाथ लाने में भी तैयार हाँ भी काका नशा ना करे। कभी कोई खुशी है भरा की शादी है बच्चे की तुहाडे की शादी है एक अद्धा पैग ला लो साढ़े एक हरिचंद सी मेरे नाल छोटी उम्र च मौत हो गई होर भी बड़िया मिसाल है जेब तुहाडी है पैसे तुहाडे है। मैं तो सिर्फ गल जिहड़ी चंगी नहीं लगती मैनू की नहीं चंगी लगती होर किसी थर्ड परसन भी सोच सठ सत्तर बंदियां नूं चंगी नहीं लगे गल वी ती नशे करन वालियां नूं नशई नूं नशई की गल चंगी लगे तां गल वखरी है पर तुसी मेरे बच्चे हो नशा त्यागो नशा ना करे।
बाकी गल्लां कही है तुसीं बड़े समझदार हो पढ़े लिखो मैथों ज़्यादा भी पढ़े हो सकते हो और कुछ नहीं कहना इन गलों ना मैं कोई गलती हो गई होगी तो वड्डा उम्र से वड्डा समझ के माफ करो इन गलों ना मैं सब को माफी दो गल् जी स्ट्रैस किया एक तो डिसिपलैन की जी गल की इन्होंने वो बहुत वही गल बहुत घाट महसूस होना चाहिए नंबर दो तो इन्होंने जो नशा की गल की है वह भी बहुत वधिया ढुकवी है क्योंकि अज जे आप इतने इन्हों फेयरवेल प्रा पार्टी देने वास्ते इकट्ठे हुए हैं विदायगी वास्ते इन्होंने इन्हों जो गलां बातें कीतियां तजर्बे सांझे किए इन्हों सारी उम्र के जोड़े तजर्बे है जो इन्हों गलां चंगिया साढ़े सामने रखी हैं साडा भी ये फर्ज बनता है बाकी सानू ये कोशिश करनी चाहिए भी जिन्नियां वध तो वध असीं इन्हां गल्लां नूं अपनी जिंदगी दे विच अडोप्ट कर सकीए करनिया चाहीदियां उहदे नाल साडा इज्जत सत्कार मान वधदा है क्योंकि इन्होंने बतौर तजर्बा जिहड़ी इन्ना चिर सर्विस कीती है उहदे निचोड़ कढ़िया होया है उन्हां गल्लां दा बाकी सरदार ज्ञान सिंह जी ने जो